श्री राम, जय राम, जय जय राम। आज के पावन पवित्र श्री राम कथा में रवलोक के स्वागत बा। काल सुनावल जात रहे त्रिवेणी संगम पर प्रभु पहुंचल बानी। भरतदास मुनि से आगे जाए के मार्ग पूछतने और त्रिवेणी के महिमा बतावल गई कैसे ज्ञान कर्म और भक्ति है। भक्ति योग के बारे में चर्चा होत रहे कि लोग कहला कि कलयुग है, कलयुग में भगवान ना मिलेने। युग कौनो हो को, समय कौनो हो को, भगवत प्राप्ति खातिर जो स्थिति बाऊ आ जाओ। लोग कहला भूमि ठीक नहीं के, तो हमने कहनी मनोभूमि ठीक कर लियाओ तो सब ठीक हो जाए। ठाकुर राम कृष्ण परमंस काली माई से बात कहनी, यही कलयुग में, यही कलयुग में रैदास ऐसन संत भैनी की कथा आवेला कि एक बार गंगा पूजन के मेला लागल रहे और रैदास जूता बनावत रहे। एक संत मेला में गंगा नहान खातिर जात रहे। जात जात कहने के बाबा रैदास हम जातनी गंगा जी के दर्शन करे, गंगा नहाए। तो वहां का कहनी रैदास जी कि है तनी दो पैसा हमरो तरफ से गंगा मैया के चढ़ा दे, हमरे लगे तो इतना काम बा फुर्सत नहीं खे जाए के। संत महाराज गईनी गंगा मैया के दर्शन कहनी, स्नान कहनी, पूजन कहनी, आरती उतरनी। जब लौटे लगनी तो मन में आयल विचार कि ओहो रैदास जी के पैसवा तो हमरा खुटिए बानल रह गए, तो चली ये पैसवा गंगा जी में फेंक देता नहीं, गंगा जी में चल जाओ। एगो नीमन आदमी हमें रैदास देले बड़े पैसा खुटी में से निकाल के फेंक देले, और जैसे फेंकले गंगा जी में से दुगो हाथ निकल, स्वीकार कर लग पैसा। अब तो बाबा की चिंता बढ़ गई कि ऐसन भक्ति इनकर बा। तो कहल जाला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, संत रैदास खातिर ही एक कहानी बा। भक्ति एक ऐसन चीज है जो न में जितना समर्पण कर जाओ, जितना त्याग कर जाओ, क्योंकि संसार तो माया है, परमात्मा खातिर त्याग कर ले तो सब कुछ प्राप्त हो जाए। भक्ति के मतलब होला प्रभु से प्रेम कैल उकर हो गई। एक बार एगो राज्य में मेला लागल रहे, एगो नुमाइश लागल रहे, ओमें ढेर सामान रखाए रहे और सब जगह लिखल रहे कि जौना चीज के रवा छुए वो राउर हो जाए। बकिर बड़ा अद्भुत विचित्र मेला रहे कि जितना सामान में रहे सब आधा अधूरा धोई रहे, एको को पूर्ण ना रहे, जौन छुए बराबर हो जाए, बाकी सब अधूरा। लोग जाए मेला देखे, छुए ओकर सामान हो जाए। एगो गोड़ के जूता एने बा तो एगो गोड़ के जूता ओने बा, एक गोड़ के जूता लिए के क्या करे, सब कुछ अधूरा। एगो बुद्धिमान आदमी वो मेला में गईले पूरा मेला के चक्कर लगा के राजा के लगे पहुंचले। राजा पूछले कि हो मेला तो घूम लेला एको को सामान छुअला है ना। तो वो आदमी कहले कि महाराज ये मेला में एको को ऐसा वस्तु नहीं खे जो पूर्ण हो को, अपूर्ण चीज हमरा मिली हो जाए तो का फायदा हो, हम तो चाहता नहीं कि पूर्ण से भेंट हो को। तो राजा पूछने कि तो फिर का विचार कैला। वो आदमी तुरंत राजा के चरण पकड़ लेलक, कहलक कि महाराज जब जा लिखल बाकी जोन छुए वो हमार हो जाए, तम रउए के छूले तनी रउआ हमार हो जाए, और वह जैसे हमार भैनी मेला हमार हो गए। ये संसार में जितना वस्तु बा सब अपूर्ण बा, जोन छुए वो राउर हो जाए तो काहे ऐसन नहीं करत कि ओकरे के छूली जे पूर्ण बा। परमात्मा के छूली तो सृष्टि आपन हो जाए,
भक्ति के मतलब है उस वो विराट के छुअल, परमात्मा से संबंध बनावल। ईश्वर से एक बार संबंध बन गईल तो जीवन के सब संकट मिट जाला। भक्ति उपासना, उपासना के मतलब होला पास में बैठल, और उपवासों के अर्थ एकरे आसपास बा। बकरी लोग सोचेला उपवास मतलब खाना ना खाइल, अरे खाना ना खिला से भगवान थोड़े मिले ले, मन पवित्र हो जाए तनी स्वास्थ्य शरीर ठीक हो जाए, ऐसे बीच बीच में उपवास ओह रूप में होत रहे के चाहिए। लेकिन उपवास के मतलब है पास में रहल, उपवास उप मतलब निकट नजदीक और वास कैल। तो जिंदगी भर हमनी के उपवास करे के चाहिए, रूप में ना हो सकेला तो कहाला कि हफ्ता में एक दिन भगवान के सुमिरन करी, उपवास करी, भगवान के साथे रही। आजकल तो काथी के पकौड़ी, काथी के कुटू के आटा काका बना के खाते लगी उपवास हो। उपवास के मतलब है कुछ कुछ खाइल ना, भगवान के साथ वास कैल। उपासना के अर्थ भी होला भगवान के सामने आसन बिठावल, उनका साथे रहल। भक्ति के मतलब होला जब जीव परमात्मा के अंश, ईश्वर अंश, जीव विनाशी, चेतन अमज सहज सुखरासी, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। सब आत्मा दिव्य बा, परमात्मा के स्वरूप बा, तो दिव्यता कहाँ लौकाता। सब लोग रो रहल बा, केहू का टेंशन बा, केहू खिसियाल रहता, केहू मुड़ी फोड़ता, केहू दूसरे के मुड़ी फोड़ देता, केहू अपने फोड़ लेता, टेंशन में खिटखिट में जिंदगी। कैसे बुझाए कि यहाँ का दिव्य है, परमात्मा के स्वरूप है। निश्चित बा ये बात समझ ली कि शास्त्र के कथन झूठ नहीं के कि हमनी जे भी ये संसार में आइल बा सब लोग परमात्मा के स्वरूप है। बकिर कनेक्शन कट गईल बा। श्री राम, जय राम, जय जय राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश जीव है। तो जौन गुण परमात्मा में बा, ईश्वर में बा, जीव में भी होके के चाहिए। दिव्यता, सत्य, साहस, शौर्य, अमरता, अजरता, शाश्वतता। बकरी लौकत नहीं के कहीं, ये तो दीनहीन गरीब भिखारी की तरह आदमी जी रहल बा। कैसन परमात्मा के अंश, जनरेटर के साथ तार जोड़ दिया, एगो बल्ब लगा दिया, अब बोल ना जरो, जनरेटर चल रहल बा, कहा था कि जोड़ल बा, एकदम वैसे ही बत्ती आवे के चाहिए, तो एकर मतलब बा कि तार के हुकाट दे ले बा। बीच में से तार कट गई बा, वो तार के जोड़ दिया तो बत्ती जरे लगी। तो ठीक वैसे ही जीव और ब्रह्म के संबंध जुड़ जाओ तो फिर से वही दिव्य प्रवाह आवे लगी। एकरे नाम उपासना, एकरे नाम भक्ति है। यह भक्ति है आपन संबंध परम पिता परमात्मा से कोनो रूप में जोड़ लेवल। और हमनी के धर्म में तो बड़ा अद्भुत लीला बा कि भगवान से भक्ति करी तो जौन रूप मान ली। जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तही रीति। जकरा हृदय में जैसन भक्ति हुई, सखा भाव में भगवान हमार मित्र है, तो कल गल की हो चली। मातृभाव में भगवान हमार माई है, वो हो चली। पितृभाव में भगवान परम पिता है, तो वो भक्ति हो सकता। अलग अलग भाव, भगवान हमार बच्चा है तो लड्डू गोपाल खिलावत नहीं, जिंदगी भर बबुआ बना के भगवान के मिठाई खियावत रहते नहीं। यहां तक कि बैर भाव, दुश्मनियों से भक्ति हो सकता, जौन भक्ति रावण की लख। तो जौना भाव से भक्ति कर लिया, कोनो रूप में परमात्मा से संबंध जोड़ लिया, भले ही बैरी बन के जुड़ल जाओ, चाहे निर्बैरी बन के जुड़ल जाओ, वो भक्ति हो जाए, संबंध जुड़े के चाहे। उपासना के बड़ा भारी महत्व बा, पास में बैठला के बड़ा भारी महत्व बा। जीवन में सारा खेल पास में बैठला के है।
जेकरा लगे हमने बैठे नहीं वैसे ही हो जानी। अब निर्णय करे के पड़ेला कि का बने के चाहतनी वैसे ही लोग के लगे बैठी। इंजीनियरिंग पढ़ावे खातिर इंजीनियरिंग कॉलेज बा, डॉक्टरी पढ़ावे खातिर मेडिकल कॉलेज बा, मैनेजमेंट पढ़ावे खातिर एमबीए के कॉलेज बा, सब कुछ पढ़ावे के ओकर आपन आपन विश्वविद्यालय महाविद्यालय सब बा। चोरी पढ़ावे खातिर कोनो स्कूल देखले बनी कभी? बेईमानी पढ़ावे खातिर कोनो स्कूल देखले बनी? धोखाधड़ी पढ़ावे खातिर कोनो स्कूल देखले बनी? बीड़ी पिए के सिखावे वाला कोनो स्कूल देखले बनी? सिगरेट पिए सिखावे वाला कोनो स्कूल देखले बनी? खैनी खाए के सिखावे वाला कोनो स्कूल देखले बनी? जुआ खेले वाला सिखावे कोनो स्कूल देखले बनी? बा कोनो स्कूल देखे? बाकी इतना भारी प्रोडक्शन बा कि सब विश्वविद्यालय फेल हो जाए। जितना डॉक्टर निखन निकलत, जितना इंजीनियर निखन निकलत, जितना प्रोफेसर निखन निकलत, उससे ज्यादा बेईमान निकलत आलो, उससे ज्यादा चोर निकलत आलो, उससे ज्यादा जुआरी गंजेड़ी अफिमची शराबी निकलत आलो। ये कहां पढ़ाई होता? ये पढ़ाइया कौना कॉलेज में होता? बाकी कोनो चीज बिना सिखैले ना होला, सिखावल तो जाता कहीं ना कहीं। कोनो ऐसा जगह बा जहां ट्रेनिंग मिल रहा बा? उपासना, उपासना के प्रभाव हो। जे जेकरा लगे बैठेला, जे जेकर उपासना करेला वो इसने हो जाला। शराबी का लगे कुछ दिन बैठी, रोवा बड़ा संत बानी, पवित्र आत्मा बानी, रोवा कहे हमरा कोनो फर्क नहीं है, पड़त पिया लोगिन तनी, बाकी थोड़े दिन में कहीं ऐसा किए बाबा तनी लगा के देखी कोनो फर्क पड़ता। तो कहे अच्छा ऐसा में तो तनी चीखिए ले तनी, फिर एक चम्मच, फिर दो चम्मच, होत होत थोड़े दिन में पहले ऊ पिया होता रसन, बाद में रउआ पियावे लगे। बूढ़ बुजुर्ग लोग पहले के जमाना में बीड़ी पिए तो कहले बबुआ तनी बीड़िया बार के लिए हा। अब बबुआ गए बीड़ी बार ले, बाबा पियो तनी तो जरूर है में कोनो अमृत हुई, तो तनी दो फूक मार के देखी, तो दो फूक मार के बाबा की बीड़ी देते रहे। पास में बैठला से लक्षण आवेला। चोर का लगे बैठला से चोरी सीख जाए, बेईमान का लगे बैठला से बेईमानी आवे लगी। जैसे भृंग एगो कीड़ा हा, दूसर कोनो कीड़ा ओकरा लगे जाई, ओकरा लगे रहते 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 वो भृंग बन जाला। जैसे गिरगिट जौना पेड़ पौधा झाड़ झंखाड़ में रही, वैसे रंग ओकर बदल जाला। ठीक वैसे ही उपासना के इतना भारी महत्व बा कि जे जहां के उपासना करेला जैसन संगति में बैठेला वो वैसने हो जाला। तो संसार में बैठला से संसारी हमने हो जानी, तो सत्संग में बैठ के संगी काहे ना हो जाए सत्संगी, और भगवान का लगे बैठला से भगवत्ता के प्राप्ति काहे ना हो जाए। साथे बैठला के बड़ा भारी महत्व बा, ये बात के ध्यान से समझ ली। भक्ति के मूल है भगवान के साथे बैठले तो भक्ति है। एगो पंडित जी रनी, पंडित जी पूजा पाठ करके कहीं से कुछ दक्षिणा पैसा मिले तो वही से उनकर खर्चा खुराक चले। एगो बेटी रहे पंडित जी के, पंडित जी पूजा पाठ करी जो पैसा मिले, वो घरी कोनो बैंक ना रहे तो पंडित जी पैसा ले जाके एगो सेठ जी का घरे धो दी कि सेठ जी हमार बेटी बड़ हुई तो एमे से पैसा दे देव तो ओकर ब्याह हुई। ताले रुआ धरत रहे, समय गुजरत रहल। श्री राम, जय राम, जय जय राम। उपासना के महत्व बतावल जात रहल। पंडित जी जोन पूजा करी पैसा मिले उले जाके सेठ जी के यहां जमा कर दी। धीरे धीरे समय गुजरल, पंडित जी के बेटी बड़ हो गई, ब्याह तय हो गई। ब्याह में बड़ा खर्चा रहे, पंडित जी चल गनी सेठ जी का लगे कहने की सेठ जी हमार पैसा दे दी जोन हम जिंदगी भर के कमाई रवा लगे धैले रहने। सेठ जी कहनी के बाबा कहीं लिखा पढ़ी भइल बा? कहनी के का हम अनपढ़ आदमी, हम तो खाली मंत्र याद रहे, तुम पूजा करावे नहीं, लिखा पढ़ी तो कुछ भइल ना रहे। तो सेठ जी कहने की राव रेको को पैसा हमरा लगे नहीं के। पंडित जी पुका भार के रोए लगले कि जिंदगी भर के कमाई हमारी सेठ जी ले 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 कि हे भगवान हम केकरा लगे जाई। अब बेटी के ब्याह कैसे हुई? तो गांव के एगो समझदार आदमी मिलने कहले कि बाबा रोई मत, राजा बड़ा दयालु बड़े। राजा साहब का लगे जाके शिकायत करी कि
सेठ जी राव पैसा ले ले बड़े विवादी है। पंडित जी गनी राजा साहब से शिकायत करनी कि महाराज रवसे विनती बा कि हमार पैसवा दिवा दी, बेटी के ब्याह करे के वह हमारा अपन मेहनत के कमाई हो, बहुत पूजा पाठ का की इकट्ठा कर ले रही है। राजा साहब कनी के चिंता मत करी पंडित जी, हमारा राज्य में न्याय होला। आज हमारा राज भ्रमण करे खातिर निकले के बा रवा हमारा साथे रथ पर बैठ के निकली और समाधान हो जाये। राजा साहब रथ पे निकलनी साथे पंडित जी बैठ गईनी, राज भर के लोग का खबर लागल कि सम्राट आज आ रहल बानी भ्रमण खातिर। नगर के सब लोग फूलमाला लेके सड़क पर खड़ा हो गल, जितना व्यापारी बनिक बनिया सब लोग रहे, सब लोग दुकान बंद करके फूलमाला लेके सड़क पर इंतजार करे लागल लोग। जैसे महाराज के सवारी आयल वहां से गुजरल, ताले सेठ जी की नजर पड़ल कि राजा साहब का साथे पंडित जी बैठल बानी, तो उनका बुझाइल कि बाप रे बाप, यहाँ का राज पुरोहित हुई हमरा तो पते न रहला, और कहीं यहाँ का राजा से शिकायत कर देनी तो हमार तो व्यापार चौपट भइल। वहां से भगले वो सेठ जी। राजा साहब इस दृश्य देख लेनी कतनी पंडित जी अब उतर जाइए और काम हो गया, घरे जाइए। पंडित जी कहते नहीं कि महाराज पैसवा दिवा देती, काम कैसे हो गए? महाराज कहते नहीं घरे जाइए, काम हो गए बा। पंडित जी बड़ा दुखी होके कि राजा के लगे गईनी, उहो का हमार काम ना करवैनी, अब ब्याह कैसे बेटी की हुई, रथ पर खाली घुमा देनी है, ऐसे कुछ पैसा मिले ला बा, सेठवा पैसा ना देलक बताई। पंडित जी बड़ा निराश दुखी घरे लौटतनी तो देखतनी कि सेठ जी एक ट्रक सामान लेके दरवाजा पे ठाड़ा बनी, और साष्टांग चरण में पंडित जी के गिर गनी कि बाबा क्षमा करी, रहुआ राज पुरोहित है, हमारा पता ना रहा, हम न जानते नहीं कि रुआ राज पुरोहित हुई, इतना बड़ संबंध रहो राजा के साथे बा, और वह साथे बैठे नहीं महाराज के, बताई इससे बड़ का हो सकता कि है अपन पैसा ली और बेटी हमरा बेटी जैसन बिया, एक ट्रक सामान ली, और जब कोनो जरूरत हो को तो हुकुम करी हम हाजिर हो जाए, का फर्क पड़ गया। थोड़ी देर पहले पंडित जी के अपन कमाई के पैसा भी ना मिलत रहा, और अब ऊपर से भी मिले लागल, इतना सम्मान मिले लागल, इज्जत मिले लागल, ये सब फर्क साथे बैठला क्या। जब संसार के गो राजा जो ने गो छोट भूभाग जमीन के मालिक होला, ओकरा साथे बैठला से इतना बड़ा महिमा बढ़ता। कोनो मंत्री का साथे बैठ जाई तो लोग खेला बाप रे, मंत्री जी का साथे संबंध बा, इनकर फोटो खिंचाइल बा, इनका साथे दोस्ती कर जाओ काम आई कभी। एगो राजा, एगो मंत्री, एगो संसार के छोट आदमी, ओकरा साथे बैठला से इतना बड़ा प्रभाव पड़ता। तो जे सृष्टि के मालिक बा, परम पिता परमेश्वर, जो पूरे ब्रह्मांड खाली है, पृथ्वी ना, पृथ्वी पर ध्यान से देखल जाओ कि रोवा लोग कथाएं सुन रहल बानी टेलीविजन के माध्यम से, अरे कहीं के रहे वाला वही पटना के, चाहे कलकत्ता, चाहे बंबई, चाहे हरिद्वार, चाहे दिल्ली, कहीं भी हुई अपना शहर के नाम तनी याद करी, तनी ध्यान दी कि ये पूरा ब्रह्मांड में इतना ग्रह बाव में से एगो छोट ग्रह पृथ्वी है, आए पृथ्वी पर तीन हिस्सा पानी भरल बा, इतना पहाड़ पर्वत जंगल नदी ओमें से बाचल विभाग पर आदमी रहेला, आई पूरा महाद्वीप जितना बा ओमें से एगो एशिया महादेश, और एशिया महादेश में भारत, अब भारत में रावर आपन राज जोड़ ली, बंगाल बिहार महाराष्ट्र उड़ीसा जहां के भी बानी रुआ देखत तो बुझ ली कि मान ली कि बिहार, और वो पटना में बैठल बानी, तो ये पूरा भारत में बिहार कितना छोट बा, ओहू में पटना कितना छोट बा जिला, ओहू पटना जिला में से पटना शहर कितना छोट बा, वो शहर में रुआ बोरिंग रोड में बानी कि बेली रोड में बानी कि फ्रेजर रोड में बानी कि गांधी मैदान में बानी, देख ली तनी ये पूरा ब्रह्मांड में एक सुइयों के नोक के बराबर वह नहीं थी। आ ये सृष्टि में आदमी का अहंकार कितना बड़ होला, तो ये छोट मोट का लगे बैठला से इतना बड़ महिमा होता, तो जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड के मालिक बा, ओकरा साथे बैठल जाओ तो कितना बड़ महिमा हुई। यह भक्ति है जे सृष्टि के मालिक बा, भक्ति ओकर कल जाला, है जोन हो रहल बा इहो भक्ति बा, लेकिन संसार के भक्ति कल जाए तो संसार मिली, परमात्मा के भक्ति कल जाए तो परमात्मा मिली है। आज के कथा एजा विराम ले पड़ी, समापन करे के पड़ी, आई कुछ देर भगवान नाम के कीर्तन कल जाओ, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एको,
एक कलियुग में नाम नाम के बड़े भारी महिमा बा आई कीर्तन के लिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे,